हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये पावर सप्लाई जो है हम रिपेयर कर रहे हैं, ये हमारी क्लास में चल रही है। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक सेंसुई का सेट आया था जिसके अंदर प्रॉब्लम थी, वो डेड कंडीशन में था, है ना, डेड कंडीशन में था। और अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम थी, पावर सप्लाई से रिलेटेड दिक्कत थी, यानी कि पावर सप्लाई ऑन ही नहीं होगी तो सेट ऑन नहीं होगा, यानी कि डेड ही रहेगा। तो पावर सप्लाई को चेक कैसे करना है तो इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पावर, ये केबल है, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या है, फ्यूज को चेक कर लेते हैं। नॉर्मली जो सबसे पहले हम चेक करते हैं फ्यूज को। तो फ्यूज जो है हमारा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, फ्यूज बिल्कुल ओके है, फ्यूज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो ये यहाँ पे मोसफेट लगा होता है, मोसफेट को चेक करेंगे। मोसफेट भी हमारा ओके है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, गेट के साथ सोर्स के साथ ये वैल्यू दिखा रहा है, गेट पे कुछ भी नहीं नहीं दिखा दिखा रहा, यानी कि हमारा ये एन चैनल मोसफेट है, ठीक है ना। और अब क्या है कि हम पावर लगा के देखते हैं कि हमारी स्टैंड बाई वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, एक दो दूसरे नंबर पिन पर हमारे को क्या वोल्ट मिलनी चाहिए, 5VSB लिखा है, यानी कि वोल्टेज स्टैंड बाई। यहाँ पे हमारे को स्टैंड बाई वोल्टेज 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को चेक करनी है यहाँ पे। और सबसे पहले हम 5 वोल्ट चेक करते हैं। चलो, यहाँ पे हमने सप्लाई लगाई और ये सप्लाई लगा के हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे। और ये मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि इसकी 3 नंबर पिन पे हमारे को 5 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं नहीं मिल मिल रहा। नहीं मिल रहा, ठीक है ना, नहीं मिल रहा, कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों, अभी क्या है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, यानी कि जो प्रॉब्लम जा रही है वो प्राइमरी साइड में जा रही है, यानी कि प्राइमरी साइड में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। अभी इसको क्या है, इसको फाइंड करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये ही है हमारे पास, जिसको बोलते हैं DMO 465 STR। इससे क्या होगा कि हमारे को ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि अभी जैसे हमने यहाँ पे मोसफेट चेक किया, मोसफेट तो ओके ही है, लेकिन मोसफेट को हम ऑन कंडीशन में चेक नहीं कर सकते। अगर मोसफेट के गेट पे फ्रीक्वेंसी बन गई और मैंने गेट पे मल्टीमीटर लगाया तो शॉर्ट हो लॉस्ट जाएगा। नहीं। हाँ, तो हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले रिमूव कर लिया है। और एक चीज और दिखा देता हूँ, इसको करने से पहले, STR पे काम करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, मेन फिल्टर पे आपकी जो वोल्टेज है वो ओके होनी चाहिए, यानी मेन फिल्टर पे वोल्टेज जो है वो ओके होनी चाहिए। कितना वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, 340 वोल्ट ओके है, जी सर, यानी कि 340 वोल्ट बिल्कुल ही ओके है। इसका मतलब हमारा EMI सर्किट, ब्रिज ओके रेक्टिफायर सर्किट कंप्लीट ओके जी है। सर। अभी जो दिक्कत है इसके अंदर, PWM सेक्शन में दिक्कत है। कहाँ पे? PWM PWM सेक्शन क्या होता है, पावर पल्स विद मॉड्यूल, यानी कि पल्स विद मॉड्यूल जो होता है हमारा वो किसके साथ, यानी कि जो हमारी PWM IC होती है, ऑसिलेशन IC होती जी है, जी उस IC को क्या करना है हमारे को, रिमूव करके अभी हमारे को DMO 465 लगाना है। उसके बाद हमारे को कन्फर्मेशन होगी कि हमारी IC ओके है या नहीं है। लेकिन मोसफेट हम चेक कर चुके हैं, मोसफेट हमारा बिल्कुल प्रॉपरली ओके है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पावर हमने निकाली, और पावर निकालने के बाद सबसे पहले हमारा काम है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं PWM IC है, इस PWM IC को हम रिमूव करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे मोसफेट को रिमूव करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको करके देखते हैं। जब भी हम IC को निकालते हैं तो IC की सभी पिनों पे प्रॉपर तरीके से आपको पेस्ट लगाना है, ठीक है ना। पेस्ट लगा के ही आपको काम करना है, बिना पेस्ट के काम करोगे तो प्रॉपर आपकी IC भी खराब हो सकती है, आपके प्रिंट भी डैमेज हो सकते हैं। IC को मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे IC रिमूव हो चुकी है, यानी कि ये PWM IC है। उसके बाद जो ये मॉसफेट है, मॉसफेट को हम डिसोल्ड करके रिमूव करेंगे। तो इसके लिए डिसोल्डिंग वायर चाहिए और एक आयरन चाहिए हमारे को। आयरन वो लगा ले आओ।
ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका मॉस्फेट को रिमूव करते हैं। तो ये मॉस्फेट की पिन है, दिया। करो करो प्ले। अभी देखो, इस तरीके से हम कभी भी डीसोल्डिंग करते हैं तो बिल्कुल पेशेंस के साथ करते हैं। यहाँ पे आप ये देखो कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पे डीसोल्डिंग हुई है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। ओके, ये परफेक्ट डीसोल्डिंग हुई है। और अब एक स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं और स्क्रू ड्राइवर से हम इसका स्क्रू को खोलेंगे। अभी हमने क्या करा, इसका ये PWM सर्किट को रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये DMO 465 आ रहा है। इसके अंदर क्या है कि IC और MOSFET एक ही में कंबाइंड है, ठीक है ना, MOSFET और IC एक ही में कंबाइंड है। अब हम इसको लगाएंगे, और इसको लगाने का तरीका वैसे मैंने आपको बताया था क्लास में, जी सर। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देख के हमारे को लगाना है। पॉजिटिव नेगेटिव येलो वायर को लगाना है मॉस्फेट के ड्रेन पर। ड्रेन पर। व्हाइट वायर को लगाना है एक फीडबैक के लिए वायर, जो कि कपलर की 4 नंबर पिन पे लगेगा, यानी कि ये कपलर की 4 नंबर पिन यहाँ पे लगाएंगे पेस्ट लगा के। कपलर की 4 नंबर पिन के बाद उसके बाद ये हमारी रेड वायर बची है। रेड वायर हमारी जो लगेगी आईसी की सप्लाई पिन होती है। तो आईसी की सप्लाई पिन पे क्या आपका लगा होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर लगा कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर पे आप ये लगाओगे, किस तरीके से लगाएंगे ये देख सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर है इसका, ये पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, तो इसे पॉजिटिव वाले पिन पर लगाएंगे। जी। ठीक है, ये हमने लगा दिया प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, नेगेटिव से नेगेटिव बीप देगा, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये सही लगा सारा। अब जी हम सप्लाई देकर इसको चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन रहती है। मल्टीमीटर को दोबारा से हमने सेट करा, यहाँ पे देख सकते हैं आप वोल्टेज इसकी आ चुकी है 5 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है ना, अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ गई है, ये देखिए 5 वोल्ट। ओके, जी ठीक है ना, यानी कि हमारी ये स्टैंड बाई वोल्टेज बन चुकी बन है। चुकी है। अब इसको आप सेट पे लगाओगे जी तो हमारा सेट ऑन ऑन हो जाएगा। तो आप अभी इसको सेट पे लगाओ और देखते हैं सेट ऑन होता है या नहीं। Thank you.
सेट है हमारा, इसको हम पावर सप्लाई को इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे लगी हुई थी। स्क्रू ले आओ दो चार, अभी ओनली दो स्क्रू लगा के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। जब पैक करेंगे तब सारे स्क्रू लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने स्क्रू लगा दिया, ये आपका बैकलाइट इन्वर्टर का कनेक्शन है, दो ये रे और दो यहाँ पर है। इसके लिए पावर ये है हमारी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट स्टैंड बाई कंडीशन में आ चुका। बटन को प्रेस करते हैं ऑन ऑफ स्विच को, ये देखिए सेट ऑन हो गया। देखिए सेट प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। ये देख सकते हैं, ठीक है जी सर। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को रिपेयर कर सकते हैं, पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कराते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं हमारा खुद का सर्विस सेंटर है, जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।